दिखाई दे रहा सबसे अपना दाल भात निकल चुका है। एक सेकंड में दिखा दूं, सबसे पहले ये देखो दाल भात अपना बढ़िया आ, दोनों आदमी ये गाड़ी दिखाएंगे एक नंबर। तो गाइस अभी अपना ना टमाटर लास्ट में डल चुका है, अभी इसको टमाटर को भूंजेंगे और डाल का है, दाल रेडी है अपना। ये दाल अपना डालना स्टार्ट हो चुका भाई, बढ़िया। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आप सबका स्वागत है मैं स्ट्रेक ब्लॉग में। सो गाइस कैसे हो सारे के सारे, आई होप सारे ठीक ही होंगे। सो गाइस अभी आ चुके हैं अपन, कौन सा रोड है बिना भैया, ये कौन सा रोड है भैया, नगरी रोड है। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग नगरी रोड में, नगरी रोड में खाना बनाने के लिए रुके हैं भाई। आज अपना सादा खाना चल रहा है, बढ़िया दाल भात सब्जी वब्जी बनाएंगे। तो गाइस देख सकते हो कितने सारे गाड़ी वाले एक साथ में खाना बना रहे हैं, सबसे पहले ये गाड़ी वाले, दूसरे बिना भैया गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा बूची का गाड़ी, पांचवा गाड़ी इनका रहा भैया का बैठे हैं, और छठा गाड़ी मेरा रहा पीछे में। तो इतने सारे गाड़ी वाले लोग रुके हैं खाना बनाने के लिए। तो गाइस आज का स्पेशल फूड ब्लॉग होने वाला है, कुकिंग ब्लॉग, बाकी ब्लॉग को छोड़ के जाना नहीं, कहीं चलते हैं मिलते हैं, खाना बनाते हैं रेडी करते हैं सब सामान। तो भाई सबसे पहले चेक करा दूँ इधर अपना खाना गाड़ी के नीचे बन रहा है, बढ़िया। तो मैं भी जा रहा हूँ घुसने रिकॉर्ड करने, सारे लोग काम कर रहे हैं, देखता हूँ कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। रुको मैं भी आ रहा हूँ अंदर खाना बनाने। तो गाइस देख रहा हूँ ना टेलर चलाने से कितना ज्यादा फायदा है, टेलर के नीचे पूरा खाना बन जाता है। और बिना भैया बढ़िया है, बिना भैया गाड़ी है, और इधर साइड में जो छोटा वाला बक्सा है बर्तन वर्तन रखने के लिए, बाल्टी वाल्टी रखने के लिए ना भैया। तो सारे लोग काम करने लग चुके हैं, भैया क्या करें, बासी वाला चावल भूज रहे हो क्या, बढ़िया एक नंबर एकदम ढाबा चालू। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे चावल भी फ्राई हो रहा है और नया भी बन रहा है। अच्छा फ्राई करके खा रहे हैं, सीधा शाम को खाना बनाएंगे, अच्छा खाना भी बना रहे हैं, चलो ठीक है। तो गाइस ये देखो अपना दाल रेडी हो चुका है, भैया बना रहे हैं जितेंद्र जी ना, बढ़िया। और वो भैया बर्तन धो रहे हैं, ये भैया फ्राई कर रहे हैं। तू क्या कर रहे, ढूंगिया बाज आदमी, ये तमाकू बाज आदमी, डालू यूनियन में सेठ को दिखाऊं सूरती खाता है। तो गाइस ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में, बाकी ब्लॉग को छोड़ के नहीं जाना, सब चीज रेडी कर लेते हैं, चावल वावल बैठा लेते हैं, टमाटर प्याज लहसुन मिर्ची सब चीज काटना है, रात की एक रोटी भी बची हुई है तुम्हारा भाई, उसको भी निपटा देगा। तो गाइस अभी सब चीज सेटअप बढ़िया करके सारे लोग बैठ चुके हैं खाना बनाने। इधर देखो भूचा अपना विपिन भी अब चावल फ्राई कर रहे हैं, कैसे भैया, बढ़िया एक नंबर, टमाटर वमाटर डाल के, मेरे को भूख लगा है, जल्दी फ्राई करो इसको, सारे लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और इधर अपना दाल बैठना रेडी हो चुका है, दाल बनना बाकी, रात वाला रोटी बचा है इसको भी निपटा देंगे, आटे का है कि मायदे का है। तो जो भी हो गाइस जैसा भी हो रेडी करते हैं बनाते हैं, ट्रक ड्राइवर का लाइफ स्टाइल चेक कर सकते हो कैसे रहता है, बाकी बहुत क्लियर आ रहा है अभी वीडियो, एक नंबर आ रहा है। तो बाकी देखते हैं और क्या है, क्या क्या बनेगा, दाल उसके बाद भुजिया, सब्जी क्या बनाएंगे, सब्जी भैया सब्जी क्या बनाएंगे, सब्जी दाल चावल सब्जी, कथी की सब्जी, आलू। तो ठीक है गाइस चावल फ्राई होने देते हैं और बनने देते हैं, सारे लोगों को बैठने देते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ब्लॉग को छोड़ के जाना मत, तुम्हारे भाई का चैनल है, थोड़ी सपोर्ट दिखाओ गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखो चावल विपिन भैया डालना स्टार्ट कर दिया है, ये देखो बढ़िया अपना चावल वावल डल रहा है, तो इसको पहले फ्राई करते, क्या कर रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया विपिन भैया, साइड कर निकाला, अच्छा थोड़ा निकालना था इसमें से, तो गाइस इसमें से विनय भैया निकाल रहे हैं, पता नमक डाले थे, नमक निकाल के चेक करते हैं भाई, मैं भी खाया हूँ बहुत बढ़िया लगता है, टमाटर वाला ये प्याज व्याज वाला ना बढ़िया अच्छा लगता है ना, एक नंबर लगता है। नमक नहीं डाले हो तो बेकार हो जाएगा, नमक नहीं डाले होगे तो। तो गाइस बढ़िया अपना बन चुका है फ्राई राइस जो भी बोलो इसको, अब सारे लोग जिसको जिसको खाना है नाश्ता कर लेते हैं, करना तो मेरे को भी है नाश्ता, भूख लगा है, तुम्हारा भाई अपने हक का निकाल के जा रहा है करने। सो गाइस बढ़िया नाश्ता वास्ता हो गया है, अब बन रहा है खाना, खाना तो वैसे पहले से ही बन रहा है, चावल फ्राई करके और खत्म भी कर दिया, ये हो गया अपना दाल, दाल गल चुका है। सो गाइस अपना दाल गल चुका है, पानी डाल के क्वांटिटी अपना इतने लोग है, इतने लोग के लिए बना रहे हैं, उसके बाद में दाल फ्राई भी होगा, दाल फ्राई होगा भैया टिफिन भैया, दाल फ्राई होगा। सो गाइस चेक करो दाल फ्राई के लिए बढ़िया अपना प्याज कटिंग हो रहा है, और टमाटर है, धनिया पत्ती मिर्ची सब चीज को कटिंग करके और मसाला वसाला बढ़िया से ऐड करके और दाल को फ्राई करेंगे, चावल भी इधर बनी रहा है देख सकते हो भाई, और जो चावल फ्राई वाला था उसको खत्म कर दिए, उसके बाद में आलू का सब्जी बनेगा। तो आज का स्पेशल रेसिपी ट्रक ड्राइवर के स्टाइल में दाल भात आलू का सब्जी गाइस, क्या कर रहे हो,
तो देख रहे हो गाइस, हंसी मजाक भी चल रहा है इधर। प्याज प्यार से संतरा रहता तो लेकिन परफेक्ट सही जाता, प्याज से वो छोटा हो जा रहा है। तो ठीक है गाइस, रेडी करते हैं, दाल वाल फ्राई करते हैं और आलू सब्जी कटिंग करते हैं बढ़िया, उसके बाद बनाते हैं बढ़िया। ब्लॉग में बने रहो, देखते रहो, इंटरेस्टिंग है ब्लॉग, मजा आएगा तुमको भी आज का ब्लॉग में। तो गाइस एकदम झबाझब खाना बन रहा है, एक जगह चावल यहाँ पे, एक सेकंड सबसे पहले मैं चेक करा दूँ, एक जगह चावल यहाँ पे इंडिया रेडी कर दिया, दूसरी जगह चावल अपन बना रहे हैं क्योंकि अपन ज्यादा लोग हो रहे हैं, एक मैं हो रहा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा, तो भाई सात लोग हो रहे हैं तो सात लोगों का भाई खाना भी ज्यादा रहेगा तो बना रहे हैं। इसमें तो अपन पांच लोग का इसमें हो जाएगा मेरे हिसाब से, कैसे भैया? पांच लोग का नहीं हो जाएगा, तीन लोग का बना दीजिए, दो लोग का रहन दीजिए, थोड़ा और डाल दीजिए, थोड़ा बचेगा तो खाने का, बस हो जाएगा, रहन दीजिए। तो देख रहे हो गाइस, ये तुम्हारे भाई का चावल डालने का तरीका। गाइस ये देखो जितेंद्र जी दाल फ्राई कर रहे हैं, ये जीरा और लहसुन डल चुका है अपने कढ़ाई में, उसके बाद में ये देखो अपना बढ़िया कटिंग वटिंग करके टमाटर मिर्ची प्याज रखे हुए हैं। तो भाई मैं वीडियो बनाने में बिजी हूँ, समझ रहे हो, मैं बाद में शाम को मैं बनाऊंगा, मैं नॉन वेज ज़्यादा बनाता हूँ। तो भाई ये अपना मिर्ची जा रहा है अभी कढ़ाई के अंदर, इसको थोड़ा सा भूनते हैं, उसके बाद देख लो भाई जितने भी दाल फ्राई करने वाले हो, जितने भी लोग दाल फ्राई खाने की शौकीन है भाई, ऐसे ही करना बढ़िया लगेगा, ट्रक ड्राइवर की ही चाहिए ना भैया। और इधर अपना विवेक भाई बढ़िया प्याज काट रहा है, सॉरी आलू काट रहा है, प्याज बोल दे रहा है, देख रहे हो क्या बोल लीजिए। हाँ भाई देखो आलू भुजिया कितना पतला और कितना परफेक्ट काटते हैं, घर की लड़की लोग भी इतना पतला नहीं काट पाएंगे। तो गाइस ये मिर्ची अपना भूंजा चुका, अभी प्याज डाल रहे हैं, प्याज को डाल के बढ़िया भूंजते हैं, उसके बाद में टमाटर डालेंगे, उसके बाद में देखते रहो, बता दूंगा तो तुम पहले ही समझ जाओगे, वीडियो छोड़ दोगे मेरा नुकसान है फिर। तो बढ़िया प्याज को पहले भूंज लेते हैं, उसके बाद में ना अच्छी से रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद टमाटर डालते हैं, टमाटर को रोस्ट करेंगे फिर। तो भाई भैया का गाड़ी एक नंबर तगड़ा है आज, चलो आज भैया का गाड़ी, खाना वाना खाने के बाद ना भैया का गाड़ी दिखाते हैं, बढ़िया एक नंबर गाड़ी। हाँ दोनों आदमी ये गाड़ी दिखाएंगे एक नंबर। हाँ तो भाई सी अपना प्याज गलने वाला है, कैसे टमाटर डालेंगे ये थोड़ा और गला के, और गलाएंगे तो गलाते हैं गाइस। बाकी ये बिपिन भी आपने पहला राउंड चावल बना चुके हैं और दूसरा राउंड में भिड़े हुए हैं, बढ़िया बिपिन भी है, गेडूर में हम लोग साथ में थे याद है कि नहीं। तो गाइस अभी अपना ना टमाटर लास्ट में डल चुका है, अभी इसको टमाटर को भूंजेंगे और डाल का है, दाल रेडी है अपना, उसके बाद दाल को चला के गल गया है, दाल भी बढ़िया अच्छा तरीके से गल गया, तो पानी अब नहीं डालना पड़ेगा, हो गया कंप्लीट है, इतना में हो जाएगा सब लोगों को। तो गाइस बढ़िया इसको गलाते हैं, उसके बाद दाल को डालते हैं, बस होने ही वाला है दाल फ्राई, दाल तड़का जो भी बोल दो इसको। तो गाइस यहाँ पे देखो अपना ना यहाँ पे दाल फ्राई में मसाला भी ऐड कर रहा है, मैं मसाला तो कभी सुना नहीं था, बस फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि जितेंद्र जी मसाला ऐड कर रहे हैं, क्या भाई साहब मसाला क्यों क्यों मसाला क्यों ऐड कर रहे हो? बस हो गया, हो गया, कौन कौन सी मसाला डाले? अब रेस्ट और कलर कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च कलर चेंज करने के लिए। अच्छा तो ये कम्प्लीट हो गया, तो इसमें अब तो गाइस यहाँ पे अपना सब्जी भी बनना रेडी हो चुका है, यहाँ पे सब्जी का भी तड़का दे दिए हैं बढ़िया, लहसुन प्याज मिर्ची धनिया जो भी है डाल दिए हैं गाइस, अभी आलू का सब्जी बन रहा है सिंपली, आलू आलू भाई, आलू की सब्जी भुजिया में प्याज नहीं डलता भाई विवेक, आलू प्याज नहीं डलता भाई, मत डाल बेकार हो जाएगा, सब डालते हैं, मैं भी ड्राइवर हूँ लेकिन मैं तो कभी नहीं डाला हूँ गाइस। बाकी इधर देखो दाल तड़का के लिए भी रेडी हो चुका है, डाल दो ना अब दाल, अब तो हो गया क्या, तल के खाने वाला अलग से निकाल दो। अरे वाह शौकीन आदमी हो तुम तो यार, मेरे लिए भी निकाल दिया आप तो बिना बोले। तो गाइस इधर भी रेडी हो चुका है, ये अपना दाल डल रहा है देखो बढ़िया से, डालो जी डाल आराम से, गाइस बढ़िया दाल, ये दाल अपना डालना स्टार्ट हो चुका भाई बढ़िया। गाइस दाल फ्राई हो चुका है, अब इसको बस चला दीजिए, वेरी गुड, एक नंबर हो गया, थोड़ा सा डबक जाएगा तो और अच्छा दिखेगा, तो ये तो हो गया, थोड़ा सा और गर्म करने के बाद दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। बाकी इधर कंप्लीट कर रहे हैं भैया अपना, क्या और मिर्ची खाने के लिए डाल दिए, बढ़िया एकदम ठीक है, फिर सारे लोग के लिए डाल दिए भाई, प्याज मत डालो ना बोलो। तो गाइस यहाँ पे देखो अपना आलू का भुजिया डालना स्टार्ट हो चुका है बढ़िया, थोड़ा सा क्यों बचा दिए, पूरा नहीं डालेंगे भैया,
विपिन भैया पूरा नहीं डालेंगे, अच्छा एक ही बार में सब बनेगा ना। तो भाई इधर थोड़ा भाई अभी निकाल रहा है, धोया नहीं है, जल्दी कर विवेक, जल रहा है, आधा पक जाएगा फिर आधा नहीं पकेगा, मजा नहीं आएगा, पतला पतला खा लेंगे, नमक अभी डलेगा। तो भाई ये आलू का भुजिया रेडी हो रहा है। इधर दाल फ्राई दिखा दो जी आपका कैसा बनाए हो, दाल फ्राई दिखाओ कैसा बनाए हो, थोड़ा अपन भी देखे भाई तारीफ करने लायक है कि नहीं। अभी अभी नहीं डबका है, ऐड नमक भी ऐड कर लेना है साथ में, देख रहे हो बहुत हो रहा है नमक ऐड, वो वाला भी डालो ना, वो वाला भी डालो ना, बचा वाला भैया देखो, सात लोगों के लिए इतना आलू का भुजिया अपन कटिंग किए थे सारे लोगों के लिए, शाम को कुछ बढ़िया स्पेशल बनाएंगे गाइस सभी के लिए, ये देख लेते हैं, बाकी अगली बार जब भी बनाएंगे बढ़िया बनाएंगे एक नंबर। तो इसमें ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं करेंगे, इसमें बस हल्दी ऐड करेंगे, हो गया ना भैया, या और कुछ डालोगे, क्या क्या डालोगे बताओ ना भैया। अरे लाओ, अरे जाने वाला था, कढ़ाई उल्टा देते भैया आप तो गलत कर देते, खाने के अरमान पे पानी मांगते, क्या बोले नहीं यही के नहीं। गाइस इधर दाल फ्राई देखो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी देर में ये भी रेडी हो जाएगा, तो गाइस बनाते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस देखो बिना भैया गाड़ी में गैस रखने का तरीका, बाल्टी के अंदर सिलेंडर फिट कर दिए हैं बढ़िया, इससे गैस कभी खराब नहीं होता बोल रहे हैं। हाँ भैया चलो गाइस खाना वाना बन चुका है, तुम्हारे भाई का खाना निकल रहा है, ये देखो दाल फ्राई कंप्लीट बना था, धनिया वनिया डाल के अब लग रहा ना ढाबा टाइप का बढ़िया। तो इधर से चावल भैया निकाल रहे हैं इधर से, और इधर से भैया निकाल रहे हैं दाल, और सब्जी मैं निकाल दे रहा हूँ कोई बात नहीं, एक और चम्मच है। तो भाई सब्जी लास्ट में निकालेंगे, सबसे सबका चावल दाल निकाल देते हैं, बढ़िया निकाल रहे हैं, मेरे में भी एक मिर्ची डाल रहे हैं, प्याज व्याज नहीं काटेंगे, तो दाल भात में प्याज जमता भी नहीं है खाने में, कम से कम कुछ रहता मटन चिकन मछली तो समझ आता कि प्याज साथ में मजा आएगा। अरे चिकन मटन फेल है इसके आगे, इसके आगे इसके आगे चिकन मटन सब फेल है भैया। अरे हम चिकन मटन के सामने दाल भात फेल है। तो डिया इस निकालते खाने, और भुचाई भाई क्या हाल चाल, क्या कर रहा है इसका नाम इसका सीट भी मत इसको भूचाई बोलने लगे मेरे चक्कर में, मेरे को टेंशन हो रहा है। सो गाइस देख रहे हो सारे लोगों का खाना निकाल रहे, तो बढ़िया सब लोगों का खाना निकालते हैं, दाल चावल सब्जी, और उसके बाद में खाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस ये रहा सब्जी अपना दाल भात निकल चुका है, एक सेकंड में दिखा दूँ, सबसे पहले ये देखो दाल भात अपना बढ़िया सारी थाली में निकल चुका है, सात लोग है, सात थाली में अपने को निकालना है, बाकी इधर एक दो ने कम है तो निकाल नहीं लिया। और सब्जी अपना देखो कैसा बना है, ये पूरा गरूर वाला सब्जी बना दिया है भैया, कैसे इसको जलाना था ना तब तो मज़ा आता खाने में, बढ़िया चिप्स टाइप का लगता। तो गाइस यही है ट्रक ड्राइवरों का लाइफ स्टाइल, ऐसी बनाते खाते हैं, फिर शाम को भी एक होगा अलग ही पार्टी। भाई गला तक का थोड़ा सा आराम करते हैं फिर गाड़ी निकालते हैं, खाना अच्छा लगा, खाना अच्छा लगा भैया, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा क्या यार, मतलब अच्छा तो लगा लेकिन ना अच्छा लगा बढ़िया लगा, लेकिन ना जो चिकन मटन खाने मजा आता ना वो वाला मजा नहीं आएगा इस शाम को, जब तक अब मैं नहीं खा लेता ना तब तक मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। तो ठीक है फिर सामान को इकट्ठा करते हैं और गाड़ी वाड़ी में रखते हैं, थोड़ा सा आराम आराम करते हैं, बैठते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। तो ठीक है गाइस अब हम लोग को जाना ही है, ये वाला ब्लॉग को इधर ही खत्म कर देते हैं, ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा ब्लॉग बना है, सॉरी
ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करके बताओ ब्लॉग कैसा बनाया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो, जब भी हम लोग ब्लॉग डालेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।